ओम आराम नमः। और एक और बार वेलकम है अक्षर जी साइंस नंबर्स के खिलवाड़। नंबर से मजे करते हैं। किस तरह से आपका नाम आपके नाम के अल्फाबेट्स की प्लेस में आपकी रनिंग एज क्या बताती है और कितना इम्पैक्टफुल है, इसी का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं नीरज कुमार जैन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और क्रोनोलॉजी ग्राफोलॉजिस्ट वॉच एनालिसिस्ट आपकी घड़ी बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन करा सकती है। आपकी आपकी घड़ी का डायल, आपकी घड़ी का बैकग्राउंड, आपकी घड़ी का स्ट्रैप का कलर किसका बना हुआ है, वो घड़ी के अंदर रोमन नंबर है, घड़ी के अंदर डिजिट्स है, घड़ी के अंदर नंबर्स हैं, क्या नंबर में लोगो लगा हुआ है, क्या नंबर कोई मिसिंग है, राइट? तो काफी कुछ मजेदार चीजें हैं ऑकल्ट साइंस, और ये चीजें जुड़ती है लाइफ में, दिखती है। आई एम क्रिस्टल हीलर, क्वांटम फिजिक्स हीलिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ जो आपकी फ्रिक्वेंसी को सेटअप करता है एआई की मदद से, और आपके चक्रास रीडिंग भी बड़े मजे से करता है। और मैं 30 साल से एक मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ। करेंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन इन मैथ्स अलोंग विद वैदिक मैथ्स। और काफी कुछ है बताने के लिए यार, उसी में थोड़ा सा जैसे मैं ऋतिक रोशन भी स्टडी कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि जो ऋतिक रोशन है उसका स्टार्टिंग स्पेलिंग नाम का ये था, ऋतिक रोशन, ROSH, जो कि 33 से 6 है, ठीक है। और बंदा का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कहीं ना कहीं पर्सनालिटी है जो है ना वो 1 है, ठीक है, पर्सनालिटी 1 है और उसकी नेम नंबर 6। और उसको एक चाइल्डहुड में एक स्पेशल प्रॉब्लम था, और डेफिनेटली कहते हैं 6 नंबर जो है वो लग्जरी देता है, तो लोग नंबर को 6 पे ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को वो बेनिफिट, क्योंकि बंदे की जो पर्सनालिटी है ना वो 1 थी। पर्सनालिटी आपको पता है ना, जिस दिन आप पैदा होते, डेट ऑफ बर्थ, तो 1 हो या 10 हो या 19 हो या 28 है, पर्सनालिटी 1 है। हालांकि सबका एट्रीब्यूट्स अलग है, 28 वाले में 1 तो बनता है, और उसकी सबसे खास बात बता दूं, स्टार्टिंग स्टार रहता है और थोड़ा बैक प्रॉब्लम रहता है। लेकिन एक बार जब ग्रोथ आता है ना, पैसा आता है, हेल्थ इश्यूज को ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पैसा एक बार आता है ना तो फिर 2 और 8 ये देखा। तो नेम नंबर 6 में होने के बावजूद हेल्थ इश्यूज था बंदे को, और बॉलीवुड में आना था तो डेफिनेटली प्रिफर्ड इज 6। लेकिन उसके नाम को ऋतिक से आगे एच लगा दिया, ऋतिक रोशन है, ठीक है। ये जो अल्फाबेट लगाया ना आगे, हालांकि हार्ड वर्किंग है, लेकिन यहां पर जैसे ही लगाया तो बंदे का जो नेम नंबर है वो कहां पर आ गया, एज पर चैरियन न्यूमरोलॉजी 38 पे। और 3 और 8 ना आपस में पहली बात तो मस्त है दोस्त, ये भी मायने रखता है ना, आपका कंपाउंड नंबर तो बहुत सारी डिटेल स्टडीज हैं। ऐसा नहीं है कि 1, 3, 5, 6 जैसे लोग कहते हैं कि उस पे ले आओ, उस चक्कर में मल्टीपल अल्फाबेट्स लगा लो। अब आपको अगर पता हो, जैसे हम चलो पहले इसको भी बता देते हैं एक बार, फिर बात करते हैं कि 38 जो दिख रहा है आपको, तो 3 और 8 आपस में दोस्त, ठीक है। और 3 और 8 से क्या बना, सिंगल डिजिट में टू, यस और नो? तो ये आपस में फ्रेंड है। और
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पर्सनैलिटी था ना बंदे का, ये इसके साथ फ्रेंडली करा, ठीक है, फ्रेंडली कराते ही उसकी वो हेल्थ इश्यूज भी सुधरी। और आज आपको पता है ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में कहा है, ये होता है। तो आपका प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट प्लेसमेंट है ना नाम का, और जो सेकंड प्लेसमेंट है ना, वो आपकी लाइफ का इंजिन है। ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, और सेकंड प्लेसमेंट आपकी जर्नी ऑफ लाइफ यानी कि डेस्टिनी। तो फर्स्ट प्लेसमेंट में जो लेटर रखा जाए ना, कोशिश किया जाता है नया नाम अगर हो, पुराने की तो क्या करेक्शन करो, कुछ भी करो, नया नाम फर्स्ट प्लेसमेंट में जो लेटर रखा जा रहा है वो फ्रेंडली होना चाहिए पर्सनैलिटी से, वो फ्रेंडली होना चाहिए नेम नंबर से। नेम नंबर मतलब आपका जो पूरा नाम का चैंपियन से कैलकुलेशन करने पर जो सिंगल डिजिट आ रहा है। और अगर हेल्थ इश्यूज से बचना है तो आपका फर्स्ट प्लेसमेंट में जो लेटर है वो आपके जोडेक नंबर। यस, आप जिस महीने बॉर्न होते हैं ना, उसको कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, जैसे एरीज स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस को जुपिटर 3 नंबर, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपका फर्स्ट प्लेसमेंट इन तीनों से फ्रेंडली है ना, तो बहुत सारी चीजें आप, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो देखो आप चेंज। अब अगर आप 27th बॉर्न है तो वो 27th ही रहेंगे। 2 और 7 दोनों सॉफ्ट नंबर हैं, दोनों को जिधर डायरेक्शन मिलता है उधर झुक भी जाते हैं, लेकिन नाम में आप ठीक कर सकते, तो इतना पावर होता है। तो आपका फर्स्ट प्लेसमेंट, सेकेंड प्लेसमेंट, आपका फर्स्ट प्लेसमेंट जहां पर्सनालिटी बताता है, सेकेंड प्लेसमेंट आपकी इमोशनल कैरेक्टर को बताता है। अब कोई 2 नंबर वाला बॉर्न है, 2 का मतलब 2 से हो गया, 11 से हो गया, 20 से हो गया, और 29, इनको इमोशनल इश्यूज रहेंगे, है मून है, चंचल है, राहु उसको परेशान करता है, इसलिए शेप्स चेंज होते हैं, फुल मून आता है, न्यू मून आता है, उस वक्त फ्लक्चुएशन मूड का होता है। अब उस बंदे का सेकेंड प्लेसमेंट में अगर मैंने बी के आर दे दिया, बी के आर का हम चैलेंज में 2 नंबर वाला अल्फाबेट है, राइट, तो बंदा ऑलरेडी इमोशनल था, हमने उसके प्लेसमेंट में भी इमोशनल बैठा दिया। तो जैसे इमोशन ट्रिगर्ड होता है ना, बहुत जल्दी इमोशनल चीज, और इमोशंस होना बहुत अच्छी बात, क्योंकि इमोशंस है तभी आप बड़े बड़े, ट्राई तो होना ही नहीं, लेकिन ज्यादा होने में तकलीफ हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, आपके प्लेसमेंट्स, हर प्लेसमेंट कुछ ना कुछ बताता है। फर्स्ट प्लेसमेंट आपकी पर्सनालिटी बता रही है, सेकंड प्लेसमेंट इमोशन बता रहा है, फोर्थ प्लेसमेंट आपका डोमेस्टिक लाइफ बताएगा, और ज्यादा नहीं, लेकिन जो सिक्स्थ प्लेसमेंट होता है ना भाई, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, जो सिक्स्थ प्लेसमेंट होता है ना, वो आपकी डेली चैलेंजेस को बताता है। जो सिक्स प्लेसमेंट है वो आपकी डेली चैलेंजेस को बताता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका जो फर्स्ट प्लेसमेंट और सिक्स प्लेसमेंट के अल्फाबेट है ना, उनका जो नेम नंबर दिया गया है वो फ्रेंडली ना हो। If your first placement and sixth placement alphabets are friendly to one another, तो challenges रोजमर्रा ज्यादा आएंगे। दिमाग घुमा, क्योंकि अपन फ्रेंडली फ्रेंडली सुनते हैं ना। फर्स्ट प्लेसमेंट और सिक्स प्लेसमेंट के अल्फाबेट्स को नॉन फ्रेंडली होगा तो चैलेंजेस तो आएंगे, निकल जाएंगे, इनको भी चैलेंजेस आएगा, ये भी निकलेंगे, क्योंकि और भी चीजें मायने रखता है। हो सकता है डेस्टिनी वन हो, है कि नहीं, तो सूरज देवता लास्ट के बाद हर वक्त रहेगा। हो सकता है उसके ग्रिड में 319 प्रेजेंट हो,
सिंगल टाइम, वो भी निकलने में मदद करेगा। लेकिन अगर मैं नाम को स्टडी कर रहा हूं और वो बंदा कहता है मुझे यार बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उसका सिक्स प्लेसमेंट को देखूंगा वन के साथ। कहीं वो कहती है हम सब फ्रेंडली ना हो गया। उसी तरह ये जो नाइन्थ प्लेसमेंट होता है ना आपके नाम का, लव फैक्टर होता है। और नाइन्थ प्लेसमेंट को फ्रेंडली रखना है किसके साथ? फर्स्ट के साथ लव फैक्टर बनता है। देखिए लव होना चाहिए और आपको पता भी नहीं चलता, एफर्ट सब करते हैं, किसी का ट्रिगर फास्ट होता है, किसी का लेस, किसी का स्पेकुलेशन में काम चल जाता है, कोई गैम्बलिंग अच्छा कर लेता है, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है जिसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में ज्यादा जाता है। डेट ऑफ बर्थ से आपको रोज नहीं बुलाया जाता, आप समझ पा रहे मेरी बात को? तो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जो नाइन्थ प्लेसमेंट में जो अल्फाबेट है वो फर्स्ट से फ्रेंडली होना चाहिए। और ये और भी देखा गया है कि जो फर्स्ट प्लेसमेंट वाला लेटर है ना उसकी जितनी वैल्यू है, जैसे डी एम टी की चार वैल्यू होती है, डी एम टी को चार कहा जाता है। चार का मतलब राहु भी हो गया, चार का मतलब राहु भी हो गया। किसी भी इंसान का सेकेंड प्लेसमेंट में अगर चार नंबर वाला अल्फाबेट है ना, तो उसको अपने नाम पर लोन करें, स्ट्रेस बढ़ता है। उसी तरह से अगर आपका पहला अल्फाबेट डी से है और आपका नाइन्थ प्लेसमेंट में इनमें से कोई है, तो भी लव फैक्टर मिलेगा। और फ्रेंडली है तो भी लव फैक्टर मिलेगा। एनटी होने का मतलब है आप एफोर्ट कर रहे हो पूरा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट? जैसे अभी मैंने बताया रनिंग एज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आप कभी भी चेक कर लेना, जो 20s का रनिंग एज होता है ना उसमें इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा दिखे। इसीलिए कहते हैं कि अगर 27 तक शादी नहीं हुआ है ना, तो 28 और 29 में मत, 30 में, 28 और 29 मैरिज में बहुत रिलेशनशिप इश्यूज दिखेंगे। है इंटरेस्टिंग है ना? उसी तरह अपनी जो न्यू दिल्ली की सीएम बनी है, राइट, आती सी, ये मैंने पहले भी बताया, एक बार और मैं बता रहा हूं ऐसे कि रनिंग एज का इम्पैक्ट, ये उनका नाम है जिसका नेम नंबर 53 से देखिए 8 है, राइट? और 8 शायद जुलाई है, आई एम नॉट श्योर, जुलाई है 1981, यहां भी उसको उनको 8 पर्सनैलिटी है ना, 8 बहुत शानदार नंबर है। जब रिजल्ट देने आता भाई बंदी का नाम, अब लोग कहते हैं ना 8 पे नाम ना रखा जाए, ऐसा बात नहीं है, ट्रिगर होगा रिजल्ट मिलता है यार। और इनका जो क्या कहते हैं ये भी है, हाँ, और अतिशी मार्लिना सिंह का रनिंग एज आप देखेंगे तो 24 और 9, दैट इज 44 इनका रनिंग एज चल रहा। रनिंग एज क्या चल रहा है? 44, 44 का सिंगल डिजिट भी आ, और जिस दिन अनाउंस हुआ ना वो तारीख था 17 सितंबर, 17 से भी आहट है भाई। तो आज हमें इसका इनको जलवा दिखा दिया। कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, किसी को नहीं पता था कौन सीएम बनेगा, एंड सडनली ये है पावर ऑफ नंबर, पावर ऑफ रनिंग एज। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है और आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने नाम के बारे में, अपने नाम के पावर के बारे में, आप जो घड़ी पहनते हैं उसके बारे में, आप जो सिग्नेचर करते हैं उसके बारे में, आपके बच्चे को अगर मैथ साइंस में पावर दिलाना है तो भी मैं,
सो आई होप ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। जस्ट बी कनेक्टेड, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड करिए। दिस इज धीरज कुमार जैन ऑकल्ट साइंस से, अलॉन्ग विद दैट लॉजिक लेन इंस्टीट्यूट, मेरा टीचिंग प्रोफेशन का नाम है। ओम अरहम नमः।